वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मॉडल टेस्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली महिला एवं बाल अपराध से संबंधित डेली 10 क्वेश्चन मिल सके, जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित विकल्प असंगत सही है। तो जो विद्यार्थी अब की बार राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी पिछली बार तो जो है नवीनतम सिलेबस जोड़ा गया था, तब जो है आसान क्वेश्चन डाले गए थे, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि सत्य या असंगत सत्य कथन जो है आपको मिलने वाले हैं विकल्प। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर के अंदर हूबहू। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, मैंने आपको स्पेशल एक वीडियो में जो है जितने भी अधिनियम है वो अपलोड करवा दिए गए हैं। अब उन अधिनियम को याद करना है तभी आप जो है क्वेश्चन सही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो 2005 का अधिनियम कौन सा है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, सही बात है। पीड़िता द्वारा निःशुल्क कानूनी मदद की जा सकती है, दी जाती है। इसके अंदर प्रथम संपर्क संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जो है ये नहीं है, इसके अंदर जो है राज्य सरकार करती है। बात करें आगे 10 नंबर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट संपर्क करना होगा, होता है, ये सही है। तो इसका आंसर जो है सी गलत हो जाए। इसमें क्या, राज्य सरकार द्वारा जो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 के तहत की जाती है। तो ये आपको जो है फैक्ट याद रखना है, क्योंकि अगर आपको अधिनियम पूरा याद है और उसमें जितनी भी मेन मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कब लागू किया, उसके बाद चिकित्सा सुविधाएं, उसके बाद जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किस धारा के अंदर है, और सजा वर्ष वो याद है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वो क्या है, विकल्प से संबंधित आज जितने भी क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ सभी के सभी। कौन सा कथन महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित नहीं है? अब आपको अधिनियम याद होना चाहिए, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब जो है लागू किया गया था, इसका प्रारंभ कब किया गया था। इसमें क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 में कार्यशील महिला के मूल अधिकारों का वर्णन है, महिला का वर्णन है, ये कथन जो है सही है। आगे बात करें, यह अधिनियम विशाखा अन्य स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1996 के तहत निर्देशित प्रावधानों के तहत बना है, यह कथन सही है। आगे बात करें सी नंबर, इनमें इसमें नियुक्ता समिति गठन करने का प्रावधान है जिसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान हुई हैं, यह सही है। आगे बात करें, यह सेक्शन एक्शन क्या है, 22 अक्टूबर 2011 को लागू हुआ, ये जो गलत हो जाएगा, आपको पता है कि जो ये कार्यस्तर पर लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम है ये जो है 2013 को जो इसे पारित किया गया था, लेकिन इसे 9 दिसंबर 2013 को क्या इसे पूरे भारत के अंदर लागू किया गया था, लेकिन इसका अधिनियम का गठन कब किया गया था, 2013 के अंदर, और लागू इसे जो है 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। तो ये इसका कथन जो है इसमें पूछा था संबंधित नहीं है, बाकी जो है ऑप्शन सारे सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी क्या गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान PCPNDT एक्ट कब लागू किया गया था? पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा अब की बार कॉन्स्टेबल के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना चाहिए याद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने पूछा क्या है कब लागू किया गया, तो इसका लागू किया गया था तो 20 सितंबर 1994 को, 20 सितंबर यहाँ पे लागू नहीं किया गया था, गठन कब किया गया था, इसका क्वेश्चन ये है कि इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है 20 सितंबर 1994 को जो है ये अधिनियम बना था, यानी पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान जो है अधिनियम बना था 1994 20 सितंबर को, लेकिन इसे पूरे भारत के अंदर 15 जनवरी 1996 को इसे प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 सितंबर 1994 को इसे जो है अधिनियम बनाया गया ये, और 15 जनवरी 1956 को इसे पूरे भारत के अंदर लागू किया गया था। इससे पहले जो है जम्मू कश्मीर नहीं शामिल था, लेकिन अब जो है पूरे भारत जो आपको पता है केंद्र शासित इसको शामिल कर लिया गया, तो जम्मू कश्मीर में भी ये जो लागू होता है। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की,
जन्म से पूर्व लिंग की जांच तकनीक का उपयोग केवल निम्न विकारों की जांच के लिए किया जा सकता है। यानी हमें कोई अगर पूर्व लिंग की जांच करवानी है तो हमें जो है किन किन जांच, कौन कौन सी जांच है जिनकी हम क्या चेकअप करवा सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफ से, बाकी नहीं करवा सकते। रक्त वाणिका संबंधित रोग, गुणसूत्र संबंधी विकार, जन्मजात विकृतियां होने पर, सभी कारणों से। तो इसका आंसर होगा सभी कारणों से हम क्या है जांच करवा सकते हैं। तकनीक रक्त वाणिका द्वारा करवा सकते हैं, वाणिका संबंधित रोग भी करवा सकते हैं चेकिंग, गुणसूत्र संबंधी विकार हो तो भी जांच करवा सकते हैं, जन्मजात विकृतियां हो तो अल्ट्रासाउंड द्वारा लिंग का निदान किया जा जो है चेकिंग की जा सकती है। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंधित अधिनियम 1987 में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यह क्रिया 3 जनवरी 1988 को लागू हुई। आगे बात करें, किसी विधवा को स्वैच्छिक या जबरन जलाने या दफनाने को प्रतिबंध करता है। सती कर्म करने का प्रयत्न करने पर अधिकतम 6 माह का कारावास जुर्माना है। यह अधिनियम 2010 में संशोधित किया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यह अधिनियम 2010 में संशोधित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यानी किस धारा के अंदर जो है व्यक्ति अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत है, व्यथित व्यक्ति कर सकता है, संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी व्यक्ति और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसके अंदर जो है कर सकता है। यानी 2005 के अंदर धारा आठ के अंदर क्या है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है और धारा 10 के अंदर सेवा प्रदाता की नियुक्ति है। तो ये दोनों ही व्यक्ति जो है इसके अंदर जो आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, और व्यथित व्यक्ति यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके कोई साथी हैं या उसी परिवार से हैं तो वो भी इसका जो है आवेदन पत्र करवा सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है मानसिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, आपसी सद्भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपसी सद्भाव जो नहीं आता है। मानसिक दुर्व्यवहार हो सकता है, भावनात्मक और शारीरिक तीनों प्रकार की अगर दुर्व्यवहार करता है तो उसे घरेलू हिंसा के तहत जो है प्रावधान किया जाएगा। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, असंगत कथन को छांटिए। धारा 5 दहेज लेने या लेने का करार शून्य होगा। धारा 6 ये कहती है कि दहेज की संपत्ति का वारिस कौन होगा। धारा 6A कहता है यदि कोई दहेज विवाहिता के अंतरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो 3 माह के भीतर अंतरण, और डी कहता है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन क्या है सत्य है। तो ये धारा भी है जितनी भी आपको याद करनी पड़ेगी। आगे बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, दहेज निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। मैंने कहा था कोई भी अधिनियम है उससे पहला जो है उसका प्रारंभ कब हुआ, पहले तो वो इसका जो है बनाया कब गया था वो सन याद करना है, उसके बाद उसे प्रारंभ किया गया वो याद करना है, उसके बाद उस अधिनियम से संबंधित परिभाषा किस धारा के अंदर दी गई है वो याद करना है, उसके बाद जो है प्रतिवेदन कर सकते हैं वो याद करना है, उसके बाद उन जितने भी अधिनियम हैं उनके संरक्षण अधिकारी सदस्य अधिकारी की नियुक्तियाँ या अपील की रिपोर्ट, वो चीज़ें सब धाराएँ आपको याद करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 8B के तहत हम क्या है दहेज निषेध अधिनियम के तहत पदाधिकारियों की नियुक्ति की तहत जो है इसके अंदर तहत की जाती है। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, यदि कोई व्यक्ति वधु या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार या संरक्षण से दहेज की प्रत्यक्ष या परोक्ष की मांग करता है तो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माना देय होगा। किस धारा के अंदर वर्णित है, अब देखो किस प्रकार इसने क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछ लिया, इसने सजा और ये भी पूछ ली और इसमें धारा पूछी है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 4 के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई माता पिता या अन्य रिश्तेदार संरक्षण से दहेज की प्रत्यक्ष रुपया मांग करते हैं तो उसे 6 माह का कारावास और अधिकतम 6 माह या अधिकतम 2 वर्ष का कारावास होगा या 10,000 रुपये जुर्माना जो है लगाया जाएगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता पाया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली महिला एवं बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस के लिए क्वेश्चन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि आपको किस प्रकार वीडियो लगा, और वीडियो को शेयर जरूर करना जो भी अन्य तरीके के फायदे मिले। और आपको इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर डेली मिलती है, आज जो है टेलीग्राम अपलोड कर दी गई है टेस्ट नंबर 5 की और 4 की और पहले 3 जो अपलोड की गई है। इसके साथ ही आपको राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी करें या ग्राम से विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए स्पेशल कैप
कंप्यूटर जितने भी एग्जाम में पीछे आए हुए हैं पटवारी के, एलडीसी के या संगणक भर्ती के, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका जो है आपको रिपीट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को जरूर देखें, पक्का जो है क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो कल जो है वो आप हमारा मॉडल टेस्ट 6 नंबर आ जाएगा, आपको डेली क्वेश्चन मिलते हैं जो कि पक्का रिपीट होंगे इनमें से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।